राजस्थान के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 199 में से 128 सीटें मिल सकती हैं। सारे रीजन अब हमने बता दिए हैं, शेखावटी को छोड़कर हर जगह बीजेपी हर रीजन में बेहतर परफॉर्म कर रही है और बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी, बड़े बहुमत से बना लेगी, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन अभी एक आंकड़ा बचा हुआ है राजस्थान का कि वोट प्रतिशत किसको कितना मिला, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक रिएक्शन जल्दी से मेहमानों का ले लेता हूं। जो फाइनल नंबर है शाजिया इल्मी, शाजिया हमारे साथ नहीं है, लोकेश भाई, ये आंकड़ा दिख रहा है अब एग्जिट पोल का फाइनल, बीजेपी 108 से 128, कांग्रेस 56 से 72, अन्य 13 से 21। आपसे मैं ईमानदारी की पूरी उम्मीद इसलिए करता हूं क्योंकि आप हमेशा ईमानदारी से बात करते हैं, आपको लग रहा है यही होने वाला है? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा इसमें करेक्शन की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आप करके बता दीजिए कितना रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है अगर मैं बात करता हूं निर्दलीय जो है और बहुत सारे जो सीट्स हैं जहां पे बीएसपी को गेन होगा, और ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं, वो एक बहुत निर्णायक और अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे एक्सपेक्टेड है कि राजस्थान हंग असेंबली की तरफ जा रहा है। ओ, आप कह रहे हैं हंग असेंबली जाएगा? बिल्कुल, आप बीजेपी 90-92 के आसपास, कांग्रेस भी उसी डिजिट के आसपास, और जो निर्दलीय है वो एक अहम भूमिका निभाएंगे, सरकार कौन बनाएगा। एक चीज जल्दी से और बताइए, ये जो हमने आखिरी रीजन बताया शेखावटी का, जी वो इकलौता ऐसा रीजन हमारे एग्जिट पोल में दिख रहा है? थोड़ी देर के लिए आप मानिए हमारा एग्जिट पोल ठीक है क्योंकि आप आ रहे तो आप नहीं मानेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हो सकता है आगे आपके लिए अच्छे नंबर हो इसमें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए, मैं शेखावटी की बात करता हूँ, वहां पे कांग्रेस कैसे अच्छा कर रही है? गोविंद सिंह डोटासरा जी है, लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी। अभी महरिया साहब जो उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं वो उनसे पहले भी हार चुके हैं, वो जगह तो कांग्रेस का गढ़ है ही। मैं इस बार डोटासरा जी मजबूती के साथ खेलेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है शेखावट जो रीजन है वहां पर, चुरू सीकर का जो पूरा रीजन आता है वहां पर कांग्रेस को गेन होना ही होना है। लेकिन जो धुंधार रीजन की मैं बात कर रहा हूं वहां पर कांग्रेस को ज्यादा और गेन निश्चित तौर पर होगा, ऐसा मेरा मानना है।